दोस्तों जैसा कि पिछले लेसन में हम लोगों ने बात की एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के हवाले से और हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन यानी कि डॉट को भी स्टडी किया अब हम बात करेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन की जो कि है लाइन दोस्तों लाइन को भी डिज़ाइन के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की हैसियत से जाना जाता है तो आइए देखते हैं कि लाइन बेसिकली है क्या दोस्तों लाइन इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स माना यह जाता है कि जब एक डॉट एक जगह से मूव करता है और किसी दूसरी जगह पे जाके रुकता है तो बेसिकली एक लाइन क्रिएट होती है इसी तरह से लाइन को कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे लाइन के हवाले से जो एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है वो ये है कि लाइन की अपनी एक लेंथ और एक अपनी डायरेक्शन हुआ करती है मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि पेपर के ऊपर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करें दोस्तों जब आप पेपर में पेंसिल से लाइन ड्रा करेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि लाइन को स्टार्ट करने से लेके लाइन को फिनिश करने तक यानी कि उसके एंडिंग पॉइंट तक आपने पेपर के ऊपर एक खास डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इस डिस्टेंस की एक अपनी डायरेक्शन भी है और एक अपनी लेंथ भी है अच्छा ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिजाइन के अंदर लाइन जो है वो बेसिकली हमें क्या फंक्शन मुहैया करती है दोस्तों लाइन डिजाइन के अंदर जब देने के या डायरेक्शन देने के काम आती है जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाइन की एक अपनी डायरेक्शन भी हुआ करती है लिहाजा इसे डिज़ाइंस के अंदर डायरेक्शन के तौर पर या डिवीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मिसाल के तौर पर पे न्यूज़ पेपर को ही ले लीजिए न्यूज़ पेपर के अंदर हम सब जानते हैं कि कॉन्टेंट टेक्सट की सूरत में दिया गया होता है और अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इस कॉन्टेंट को टेक्स्ट को लाइन्स की मदद से डिवाइड किया जाता है हेडिंग को सब हेडिंग से और सब हेडिंग को बाकी बॉडी टेक्स्ट से लाइंस की मदद से ही डिवाइड किया जाता है अलग किया जाता है अगर हम एक और मिसाल लें दोस्तों डायरेक्शनल साइंस तो आप लोगों ने देखे होंगे आप किसी भी इवेंट पर चले जाए या कहीं भी चले जाए आपको डायरेक्शनल साइंस रोड्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं ये डायरेक्शनल साइंस जो है आमतौर पर एरोस की मदद से बनाए गए होते हैं और एरो क्या है एरो भी बेसिकली लाइन की ही एक पॉम है चले अब हम बात करते हैं लाइन की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से दोस्तों लाइन की काफी सारी टाइप्स हैं लाइन के हवाले से जो एक बहुत आम तौर पे कंफ्यूजन पाई जाती है वो कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि लाइन सिर्फ स्ट्रेट ही हुआ करती है जी नहीं ऐसा कतन नहीं है लाइन कर्व की सूरत में भी हो सकती है लाइन इरेगुलर भी हो सकती है लाइन डॉट्स की मदद से मिलकर बनी हुई यानी कि डॉटेड भी हो सकती है इसी तरह से वेव्स की सूरत में भी लाइन क्रिएट की जा सकती है और लाइन को जिगजैग की सूरत में भी बनाया जा सकता है दोस्तों लाइन टू डायमेंशनल भी होती है थ्री डायमेंशनल भी होती है और अन भी हो सकती है टू डायमेंशनल लाइन को आप चारों तरफ से नहीं देख सकते जबकि थ्री डायमेंशनल वो लाइन होगी जिसको आप चारों तरफ से देख सकें अब बात रह गई अनसीन लाइन की दोस्तों फर्ज कर लीजिए कि मैं यहां से चलना शुरू करूं और यहां पे आके ठहर जाऊं अभी मैंने वहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस डिस्टेंस ने एक लाइन क्रिएट कर दी है इसको हम अनसीन लाइन कहेंगे इसी तरह से लाइन जो है वो पैरेलल भी होती है और परपेंडिकुलर भी होती है पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में किसी भी पॉइंट पे मिले ना जबकि परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे से कंबाइन हो जाती हैं दोस्तों अगर हम डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन को डिवाइड करें या इसकी कैटेगरीज बनाए तो लाइन वर्टिकल भी होती है हॉरिजॉन्टल भी होती है और डायगनल भी होती है वर्टिकल लाइंस की एक बहुत मिसाल स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं आपने बड़े बड़े स्कायस्क्रैपर देख रखे होंगे ये जो स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स होती हैं ये वर्टिकल लाइन की सूरत में बनी होती हैं इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल लाइन की एग्जाम्पल है वो है हॉराइजन लाइन अगर आप हॉराइजन लाइन की तरफ गौर से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दोस्तों वर्टिकल लाइन 90 के एंगल पर ड्रा की जाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री के एंगल पर ड्रा की जाती है इसके अलावा जो डाइगनल लाइन है वो इन दोनों एंगल्स के अलावा दूसरे एंगल्स के ऊपर ड्रा की जाती है जैसे कि 45 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल पे अच्छा अब ये हमने जान लिया कि वर्टिकल लाइंस क्या हैं हॉरजोंटल लाइन्स क्या हैं या डायगनल लाइन्स क्या हैं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और डाइगनल लाइंस हैं इनका डिज़ाइन में या ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों डिज़ाइन के अंदर अगर आप कहीं पे स्ट्रेंथ या पावर को दिखाना चाहते हो तो आपको वर्टिकल लाइंस यूज करनी चाहिए इसके अलावा अगर आपको डिज़ाइन के अंदर कहीं भी रिलैक्सेशन कंफर्ट या सूदिंग फीलिंग को देना हो तो फिर आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स अपने डिज़ाइन के अंदर यूज कीजिए जिस तरह से अगर आप बीच के ऊपर चले जाएँ वहाँ पर जाके जब आप हॉराइजन लाइन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो विजुअल है ये बहुत ही सूदिंग और कंफर्ट वाला विजुअल है इसी तरह से जो डाइगनल लाइंस हैं उनको मूवमेंट या मोशन को दिखाने के लिए हम अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से हमें पता ये चला कि लाइन किसी भी सूरत में हो उसकी कोई भी टाइप हो उसका डिज़ाइन में और हमारे ग्राफिक डिज़ाइंस में एक ख़ास विजुअल मीनिंग होता है तो दोस्तों इस लेसन में हमने लाइन के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से बात की लाइन के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने क्लियर किए और हमने ये जाना कि ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से या डिजाइन के हवाले से लाइन की क्या अहमियत है नेक्स्ट लेसन के अंदर हम अपने थर्ड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन यानी कि शेप के हवाले से बात करेंगे